अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं मेजर इमरान बात कर रहा हूँ, पाक फौज आर्मी से बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी 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 मेरे भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? करम परवरदिगार का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कर्म ही होना चाहिए, अल्लाह ताला का कर्म होना चाहिए आपके। बिल्कुल देखिए मेरे भाई, आपसे कुछ मालूमात फराहम करनी है बायोमेट्रिक में और जो मर्दों में शुमारी है ये इसके बारे में। अच्छा हेलो जी जी बोले। मेरे भाई, आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग लाइन पे चल रही है, आप एक सैड पे हो जाइए। जी बताएं, आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज़ मेरे भाई आ रही है, शोर से थोड़ा सा एक सैड पे होंगे तो फिर होगी ना, क्योंकि अभी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे चल रही है। अच्छा 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 जी बताइए। मेरे भाई, आप ये जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इस नंबर को बायोमेट्रिक करवाया है ना? जी करवाया है। जी ठीक है, तो जब हमारे आर्मी के नौजवान आपके घर पे मर्दमशुमारी के लिए आए थे, तो आपने अपनी मर्दमशुमारी खुद करवाई थी या आपके घर वालों ने करवाई थी? मैंने करवाई थी जी, तो जो आपने मर्दमशुमारी वालों को नंबर दिया था वो आपने यही नंबर दिया था? जी यही नंबर दिया था। जी बिल्कुल बराबर है मेरे भाई। अभी आप मुझे ये बताएं, ये जो नंबर है आप ही के नाम पे है ना? जी भाई सर, मेरे ही नाम पे, कितनी बार पूछेंगे ये? मेरे भाई ये मालूमात आपसे लेना पड़ेगी ना, इसीलिए आपसे बार बार पूछा जा रहा है। आप तो मेरे भाई, आप जॉब क्या करते हैं? मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है अपना। ओके मेरे भाई, अपना नाम बता दीजिए। यार आपके पास मेरी डिटेल है तो आपके पास मेरा नाम नहीं है? मेरे भाई, ये पाक आर्मी की तरफ से आपका ये नंबर जो है ना रेड जोन में जा चुका है, इसलिए मेरे भाई आपको पाक आर्मी से ये कॉल आ रही है। बिल्कुल सब डिटेल मौजूद है, अब सिर्फ आपसे पूछना चाहिए। जब आपके पास डिटेल मेरे भाई, आपसे पूछना पड़ेगा ना, आपको ये बताना पड़ेगा। अच्छा आप कौन सा बात करें, तारुफ करिएगा अपना। जी मेजर इमरान बात कर रहा हूँ। यूनिट कौन सी आपकी? जी सर, यूनिट कौन सी आपकी? 111 सर। 111। पाक नंबर बताइएगा अपना। जी पाक नंबर बताइएगा अपना। आपको डिटेल मैं अपनी किस लिए दूं? तो मैं फिर आपको अपनी डिटेल किस लिए दूं? आप मेरे भाई, हम आर्मी से बात कर रहे हैं, आप सिविलियन हैं। कह रहा हूँ आर्मी से बात करें तो आर्मी, आपकी सैलरी मेरे टैक्स के पैसों से जाती है, आप मेरे मुहाफिज हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मेरे भाई, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं इसीलिए आपको कॉल कर रहे हैं। हाँ, वैसे आप हमें कोई नंबर इसमें कोई कंफर्म करूँ आप मेजर हैं भी या नहीं? तो आप कंफर्म कर लीजिए ना, कंफर्म कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना, आप मुझे आप मैंने आप मैं मैंने अपना नाम आपको बता दिया है ना? नाम से नहीं ना, आप मुझे पाक नंबर बताएं ना, आप मेजर है ना, आप मुझे पाक नंबर बताएं अपना। जी तो मैंने आपको अपना नाम बता दिया, आप कंफर्म कर लीजिए। नहीं आप अपना पाक नंबर बताएं, मैं आप कंफर्म करके बताता हूँ ना, आप मुझे। मैंने अपना यूनिट भी आपको बता दिया है, मैंने अपना नाम भी आपको बता दिया है, आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, हाँ अभी आप मुझे अपनी मालूमात देना चाहेंगे या नहीं? भाई आप मुझसे मालूमात पहले तो ना, किस मकसद के लिए लें? पहली तो ये बात कि आपका नंबर सरकारी नहीं है, प्राइवेट नंबर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई सरकारी काम होता तो मुझे सरकारी नंबर से कॉल आती। सरकारी नंबर पे क्या लिखा होता है कि ये सरकारी नंबर है? बिल्कुल लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उनका नंबर सरकारी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी कौन सा नंबर है और कौन सा प्राइवेट है। ओके ओके ओके। ठीक है, और ये ऑफिशियल ऑफिशियल कॉल अगर होती तो ये रात को 7:30 बजे नहीं आती। हाँ किस टाइम पे आती? ठीक है चलें, आपके इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, क्योंकि मेजर बन के फ़ोन कर रहे हैं, देखते हैं मेजर हैं या नहीं है, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन मैं करवाता हूँ, आप मेरी क्या करवाएंगे। ठीक 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 है सर, ठीक है ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफ़िज़।